पर और दोनों साइड चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप मैं बिल्कुल घूमता हूँ हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है, आपकी वीडियो देख रहे हैं जी मास्टर। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एयरफोन की स्पीकर की वॉइस को लेके, जो कि गाइस बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मुश्किल से आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो लमसम एयर पीस में से बिल्कुल ही आवाज निकलना बंद हो जाती है। आपका 1-1.5 साल या 2 साल हो गए और आपने साफ सफाई नहीं करवाई है तो गाइस एक्चुअली आवाज पूरी तरीके से बंद होती है। और गाइस बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम रहती है, पानी में गिरते के साथ आवाज बिल्कुल कैसे बंद हो जाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे ही कुछ डस्ट पार्टिकल इसके अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो हल्के से नमी में आते तो फूल जाते हैं। जैसे कि आप ठंड के टाइम कभी इस आपने महसूस किया होगा तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कम आवाज आती है क्योंकि उस टाइम नमी होती है और नमी अंदर जाके जो अंदर डस्ट है उसे फुला देती है। तो गाइस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और गाइस जानेंगे एक्चुअली ये क्या है तो मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूँ। गाइस ये पेट्रोल है और यह पेट्रोल एक ब्रश का यूज किया है हमने प्रॉपर तरीके से और बाकायदा पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी भाषा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाइए सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों एक्चुअली चेक करेंगे इसके, क्योंकि ऊपर वाला स्पीकर लमसम मैंने बहुत टाइम से साफ नहीं किया बट मैं टाइम टू टाइम साफ करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग। तो आप पीछे वाली ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे कि मैं ऊपर और दोनों साइड चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप मैं बिल्कुल घूमता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे मैंने गाइस YouTube का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो इसलिए वो चल जाती है। तो एक्चुअली अब इसे साफ करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। आपको एक ब्रश लेना है जो कि नॉर्मली है और गाइस यूज ब्रश हो तो उसे यूज ना करें क्योंकि उसके अंदर डस्ट रहती है। ऐसा ब्रश यूज कीजिए जो कि साफ सफाई में आप कंटिन्यू यूज करते हो। और यहाँ पे गाइस ये यहाँ पे पेट्रोल, गाइस पेट्रोल कैसे निकाला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस तो दोस्तों जानते हैं गाड़ियों से पेट्रोल निकालना भी एक कला है अपने आप में और गाइस बहुत सारे लोग पाइप से निकालते हैं, हर कोई चीज ट्राई करते हैं बट गाइस ये यूनिक वे है और आपको भी पता होना चाहिए। तो गाइस इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो यहाँ पे स्कूटी में गाइस नीचे से तो निकालना पॉसिबल नहीं है, ऊपर से पाइप डाल के निकालना वो भी। तो गाइस जो आपके हैंड सैनिटाइजर आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं ईजिली। तो गाइस एक मैंने जो आगे बल्ब का जो LED बल्ब होता है उसके आगे का गोल गोल जो होता है डाय की तरह डोम की तरह, तो गाइस उसमें पेट्रोल हल्का सा फिल कर लिया था। तो गाइस यहाँ पे ईजिली निकाल लिया और कोई हाथ भी गंदे नहीं हुए और जो पाइप में बचा था ऊपर निकालने के बाद उसे भी निकाल लिया। तो गाइस कोई भी ना के बराबर ही कह सकता हूँ कि इधर उधर गिरा था और यहाँ पे गाइस ईजिली हमने यूज भी कर लिया उसे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पेट्रोल आराम से निकाल सकते हैं। स्कूटी में तो गाइस प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, आप इजीली बहुत आसानी से किसी भी टाइप का इस टाइप से पेट्रोल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और जैसे कि गाइस यहाँ पे हम बात करें तो ये था वो मशीन और ये, तो गाइस आपने देखा गाड़ी में से किस तरीके से पेट्रोल निकाला था मैंने एक्चुअली। और ये थोड़ा सा, बट इससे पहले हमें एक छोटा सा काम और करना है। आपके पास पेच का सेट नहीं है तो गाइस कोई सीप का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा काम करना पड़ेगा हमें एक्चुअली। यहाँ पे हमने सेट कर लिया इसे और यहाँ पे गाइस रुई दी की लिए रुई हो या कोई सी भी हो डजंट मैटर, बट ये है कि होना चाहिए, जरूरी है। और यहाँ पे गाइस इसे यहाँ पे हमने फंसा लिया क्योंकि गाइस ऐसे नहीं डालना है और आप ऐसे डाल देंगे तो अंदर चला जाएगा पेट्रोल और सूख जाएगा बट वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हल्के से इसे भिगो लेना है, इतना नहीं हो कि निकले
और इसके ऊपर हल्के हल्के गीला करते रहना है, क्योंकि एकदम आप डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, ना साफ होगा ना कुछ होगा, और सारा पेट्रोल अंदर चला जाएगा। बस इसे हल्के हाथ से ऐसे गीला रखना है कि जो इसके ऊपर डस्ट है या कुछ खान का मलबा भी यहाँ पे जमा हो जाता है बहुत सारे बॉयलों में, तो गाइस उस चीज को भी देखते हुए प्यार से इसे साफ कर लेना है यहाँ पे ऐसी, क्योंकि ये आधा तो अपने आप इससे साफ हो जाएगा, जो पतली डस्ट होगी वो वैसी निकल जाएगी, और जो मोटी डस्ट होगी वो और कैसे साफ होगी अभी मैं बताऊंगा, पहले तो इसे क्लियर कर लेना है यहाँ पे। और गाइस वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेप है, तो बहुत जरूरी है, आप मेहनत भी करो उसके बाद कोई रिजल्ट निकल के ना आए तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे जैसे कि हो गया, तो इसे हल्के से इसके ऊपर हल्के बिना प्रेशर बिल्कुल नहीं देना, और आराम से इसे हल्के 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 करना है। और यहाँ पे गाइस अब थोड़ी सी डस्ट मुझे लग रही है कि हाँ निकल गई है, ऊपर की साइड आ गई है, अंदर की साइड प्रेशर नहीं लगाना, हल्के सा झुका के इस तरीके से करना है कि जो इसका ऊपर हो वो अंदर ना जाए, बाहर के बाहर ही निकल जाए, कोशिश ये करनी है, क्योंकि अंदर चला जाएगा तो स्पीकर भर भर बोलेगा, तो यहाँ पे फिर हमें प्यार से साफ करना है। और यहाँ पे फिर हमें ये 3 बार करना है गाइस, जो कि हमने 2 बार कंप्लीट कर लिया है और तीसरी बार और करना है। और अब इसे प्यार से साफ कर लेना है, अब इसे बस प्यार से साफ करना है और कुछ नहीं करना, हल्का सा दबा के, और क्योंकि इसमें लमसम कोई भी पेट्रोल नहीं रह गया है, जो डस्ट थी वो भी इतने सूख ली है। और तो गाइस साफ करने के कम से कम 2-3 मिनट तक कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हल्की फुल्का पेट्रोल चला भी जाता है, तो अंदर कम से कम 5 मिनट वेट करने के बाद फिर मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करी है दोबारा से। तो गाइस यहाँ पे आप इसकी साउंड, जो कि हमारा गाना चल ही रहा था डायमंड का चल रहा, तो गाइज आपने लमसम यहाँ पे बंद करते सॉन्ग, गाइज आपने लमसम खुद फर्क देख लिया होगा, मुझे एक्चुअल वीडियो बनाते हुए कोई पता नहीं चला कि कितना फर्क आया या नहीं आया, और गाइज आपको खुद एक्चुअली मालूम चल गया होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा होता है, नए के नए मोबाइल इस वजह से खराब हो जाते हैं। तो गाइज बात करते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों आपने पूरा ट्यूटोरियल देखा तो आप एक्चुअली समझ गए होंगे, बट गाइज आपको पूरी तरीके से फॉलो कीजिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप पूरी वीडियो दिखाना, बट मेरा मेन मोटिव यह है कि आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो एक्चुअली आप समझ पाएंगे कि हाँ किस तरीके से एक्चुअल काम हुआ है। तो गाइज प्लीज 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो होगी ज्यादा से ज्यादा, और गाइज आप एक बार देख लेंगे तो आपका मोबाइल परमानेंट, हर बात करूं तो आपको लमसम कितना टाइम चाहिए इसे साफ सफाई के लिए, तो गाइज नॉर्मली 6 महीने के बाद से प्रॉब्लम आने लगती है ऑडियो में। और गाइज आप सुरती खाते हैं या कोई ऐसी चीज यूज करते हैं जिससे डस्ट पार्टिकल आपके जिम में ज्यादा रहते हैं, तो गाइज उसमें तो ये मानिए कि 3-4 महीने में चौक हो जाता है मोबाइल, बट एक्चुअली आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं और ऑफिस में काम कर रहे हैं, और या आप फील्ड वर्कर हैं, गाइज फील्ड में तो लमसम 3 से 4 महीने, और ऑफिस वर्कर हैं तो लमसम 1 साल में आप इजिली अपने घर पे खुद कर सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। पेट्रोल निकालना मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, और ब्रश नॉर्मली यूजेबल ब्रश यूज ना करें, मेरी सलाह ये होगी, आप न्यू 5 रुपए का आता है छोटे बच्चों के लिए वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। और गाइज जिन क्वांटिटी में बताया गया है मटेरियल उसी क्वांटिटी में डालें, अनदर गाइज मोबाइल का स्पीकर खराब भी हो सकता है, उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करें। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।